In our history book, it should be written about. Do you have a single line? आपने भी नहीं पढ़ी उसका मतलब? नहीं पढ़ी है. अब मुझे बताइए, आपके बच्चों ने नहीं पढ़ी है. अब आप ही बताइए मुझे कि अक्षय कुमार सर की कौन सी बात से आप लोग सहमत हैं? बड़ा कंफ्यूज किया हुआ है पूर्ण रूप से. मैं वास्तविक रूप से बड़ा ही असमंजस की स्थिति में आ चुका हूं. अक्षय कुमार जी ने आज बोला है ANI को इंटरव्यू देते हुए, और बकायदा भारतीय इतिहास पर उन्होंने सवाल उठाया और बोला कि पृथ्वीराज चौहान और हिंदू राजाओं पर चार लाइन और मुगलों पर पूरी किताबें लिखी गई हैं. एक्टर अक्षय कुमार ने ANI में ये कहा गया है. ऐसा ही कुछ कुछ मिलता जुलता मैंने रिस्पांस वीडियो बनाया था अभी एंड न्यू किया. मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा. लेकिन सर, मैं अक्षय कुमार सर, मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप गलत हैं, इज्जत के साथ कहता हूँ. अब देखिए, अगर आप किताब देखेंगे, एंटायर चैप्टर इज ऑन पृथ्वीराज चौहान, क्लास 7वीं की पुस्तिका में आपको मिलेगी, NCERT की हिस्ट्री किताब में. अगर आप ज्योग्राफी में देखेंगे तो नहीं मिलेगा. सर, कई सारे लोग तो आपको ट्रोल कर रहे हैं कि जब आप क्लास में बैठे होंगे शायद उस वक्त आप सो रहे होंगे हिस्ट्री की क्लासेस में. इस तरह के लोग कहते हैं तो बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है सर, बहुत बुरा लगता है. अब ये जो प्रोपेगेंडा है ना, लगातार चलता जा रहा है. मुझे नहीं पता कि शायद आपके द्वारा ये प्रोपेगेंडा क्यों फैलाया जा रहा है, क्योंकि क्लास 6 की हिस्ट्री क्लास देखेंगे सोशल साइंस में NCERT के 11 चैप्टर्स हैं, क्लास 7 में हिस्ट्री के NCERT के 10 चैप्टर हैं, और क्लास 8वीं के हिस्ट्री के, क्लास 8 में हिस्ट्री के NCERT में 12 चैप्टर्स हैं. 33 चैप्टरों पर दो चैप्टर ही मुगल्स की बात करते हैं. तीसरा और थर्ड एंड फोर्थ एंड सेवंथ, तीसरी चौथी और सातवीं क्लास. अभी एंड न्यू ने भी कुछ ऐसे ही बोला था कि हम हिंदू राजाओं के बारे में कब पढ़ेंगे, तो मैंने जाकर के उनको बताया था. अब अक्षय कुमार जी की पिछली वीडियोस भी वायरल की जा रही है, तो सोचा कि इसका जवाब भी मैं आप सबसे ले लेता हूं, क्योंकि इंटेलेक्ट है अक्षय कुमार, स्क्रीन पर दिखता तो ऐसा ही है. तो मुझे आप बताइए कि अक्षय कुमार जी जब कहते हैं कि भगवान शिव पर आप जब दूध चढ़ाते हैं तो व्हाई यू आर वेस्टिंग मिल्क, भगवान शिव पे दूध क्यों चढ़ा रहे, ब्ला ब्ला ब्ला. आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे लोग सवाल पूछ रहे हैं. चला, व्हाई यू वेस्टिंग सो मच ऑफ ऑयल एंड मिल्क ऑन गॉड? वेयर इज इट रिटन कि गॉड सेज मेरे को दूध देना एंड हनुमान सिंह मेरे को तेल डाल? आई गो टू टेम्पल्स एंड थिंग्स लाइक दैट, देयर सो मच ऑफ वेस्ट. ऑल वी नीड टू डेवलप इज दैट माइंडसेट कि स्टॉप डूइंग ऑल दीस थिंग्स. And let's think in a practical way. I did a film called Oh My God, and it was something about why waste so much milk on Lord Shiva, or इतने सारे भगवान हम डाल देते हैं, and that whole milk just goes out in waste. अब बात करूंगा अपनी अगली स्टोरी की. देखिए, बॉलीवुड के एक जाने माने सिंगर, आप सबको पता है KK, उनका नाम है कृष्ण कुमार कुन्नथ. पुलिस ने उनकी अननेचुरल डेथ का मामला दर्ज किया है, आप सभी को पता है, क्योंकि सिंगर KK के माथे और होठों पर चोटों के निशान मिले हैं. KK की मौत पर पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है. हालांकि डॉक्टरों ने KK की मौत की वजह अभी फिलहाल हार्ट अटैक बताई है. वहीं KK के कॉन्सर्ट के दौरान हुई अराजकता और अव्यवस्था को लेकर के तृणमूल कांग्रेस और भाजपा भी इस पे अब आमने सामने आ गए हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, और राजनीतिक मामला बन चुका है, और ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. मौत की वजह के बारे में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद स्थिति बहुत ज्यादा साफ हो जाएगी, लेकिन सिंगर KK की मौत को लेकर के सस्पेंस हद से ज्यादा बढ़ गया है. जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैंने शायद अभी तक चेक किया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है. आप इस क्लिप को देखिए, इस क्लिप को देखते देखते आप देखिए कि समझिए कि ऑडिटोरियम में मौजूद भारी भीड़ और गर्मी की वजह से परफॉर्मेंस के दौरान ही KK की तबीयत बिगड़ जाती है, और सोशल मीडिया पे यह क्लिप वायरल हो रही है, और कई में परफॉर्मेंस के बाद सिंगर KK को जल्दबाजी में ले जाते हुए आप देख भी पा रहे होंगे. अब कहा तो ये जा रहा है कि परफॉर्मेंस करते हुए KK के सीने में दर्द की शिकायत थी, और जब उनको होटल ले जाया गया, होटल जब पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद KK की तबीयत बिगड़ जाती है, KK जमीन पर गिर जाते हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो बताया गया कि इनकी दिल की धड़कनें तो काफ़ी पहले रुक गई है, जहां डॉक्टरों ने KK को मृत घोषित कर दिया. तो सोशल मीडिया पर यह खबर मुझे और आपको मिल जाती है. मेडिकल साइंस में क्या कहा गया है? अब मेडिकल साइंस ऐसी स्थितियों को क्या कहता है? साइलेंट हार्ट अटैक भी आता है. कई सारे डॉक्टर्स को मैं जब बात की और जब पढ़ा मैंने, तो पता चला कि पसीना आना हार्ट अटैक का एक बड़ा लक्षण होता है. कई मामले में तो सीने में दर्द भी नहीं होता है, सिर्फ पसीना आने के बाद ही हार्ट अटैक या फिर कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है.
एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, ऐसे में कुछ ही मिनटों में अगर आप हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं अगर, तो फिर समस्या होती है और आप अपनी ज़िंदगी खो देते हैं, वरना ही जानलेवा साबित हो जाती है, अगर पहुंच जाते हैं तो बच जाते हैं। क्योंकि इस स्थिति में क्या होता है ना कि शरीर में जो ब्लड का फ्लो है ना वो हार्ट तक सही से नहीं हो पाता है, जिससे कुछ ही देर में मौत हो जाती है। हार्ट के दोनों काम है ना, रिसीव भी करता है, पूरी बॉडी को भी पंप आउट करता है, तो पता ही आप सभी को। दूसरी वजह यह भी है कि केके होटल में बेहोश होकर गिर गए थे। अब इसका मतलब आप क्या लगा सकते हैं, इसका मतलब ये है कि उनके वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हुआ है। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें दिल की धड़कन काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाती है और अनियमित हो जाती है, इस वजह से दिल सामान्य रूप से काम नहीं कर पाता है, इससे हार्ट सही तरीके से पंप नहीं हो पाता और लगातार ऐसा होने से बीपी की यानी कि ब्लड प्रेशर की समस्या और बेहोशी आ जाती है, जिससे मौत भी हो जाती है। केके के मामले में क्या है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताएगी, हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे। लेकिन कई सारे जितने भी आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, परफॉर्मेंस प्रेशर भी होता है, कई सारे लोग कह रहे हैं कि भीड़ को अनियंत्रित हो गई थी। लेकिन अब देखो ना, केके ने इससे पहले कई सारे शोज़ भी किए हुए थे ना, उनको पता है, उनकी टीम को पता है कि हाँ भीड़ होती है, कैसे कंट्रोल किया जाता, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन एक इन्वेस्टिगेशन, एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल गया कि क्या मेडिकल हिस्ट्री है, उनका मेकअप पेन बताएगा, स्ट्रेस डिप्रेशन कुछ ऐसी चीज़ें थी या फिर कुछ ज़िंदगी में क्या चल रहा था, क्या था, तनाव था नहीं था, ये तो बाद में पता चलेगी ना इन्वेस्टिगेशन के बाद। लेकिन सोशल मीडिया पे ना एक बाढ़ आ चुकी है कंक्लूजन की, तो मैं चाहूँगा कि आप उन सारी परिस्थितियों में ना पड़े और एक कंक्लूजन पे मत पहुँचिए, है ना। अलग अलग फैलेसीज को जोड़ करके आप कुछ भी बताना शुरू मत कीजिए और ना ही मानना शुरू कीजिए। रिपोर्ट आने दीजिए, इन्वेस्टिगेशन आने दीजिए और जितनी भी संस्थाएँ हैं उन पर भरोसा अपना कायम रखिए। फिलहाल मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट था आपसे बात करना, सो मैंने कर ली। अक्षय कुमार सर की बात पे आप क्या बोलेंगे, अगर आप बता सके तो कमेंट कीजिएगा और दूसरे लोगों से पूछेगा कि वो इस पे क्या कमेंट करना चाहेंगे। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।